वेलकम टू एसएससी जी दोस्तों, हाजिर आपके सामने फिर से। दोस्तों इसमें हम लोग हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर करेंगे। ओके, अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन है, तो इसमें हम पार्ट वाइज करके इसको कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये हमारा टिकटॉक आईडी जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। When महात्मा गांधी was arrested, who among the following took over the leadership of salt satyagraha? जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए तो उनके बाद कौन लिया था, उनका लीडर बना था वो सॉल्ट सत्याग्रह का, तो कौन बने थे, वो थे अब्बास तैयब जी, ऑप्शन सी। अब्बास तैयब जी को ही बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है अब्बास तैयब जी को, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। In which session of Congress the demand of Purna Swaraj was accepted as the aim of the Congress? तो देखिए ये आपका 1929 का जो session था INC का, उसमें ये बात कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो कब, 1929 में। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपके प्रेसिडेंट थे जवाहर नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ओके तो ये कब होगा, डी ऑप्शन डी लॉर। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह कब क्या कौन लीडर थे उनके बारदोली सत्याग्रह के, तो वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, गो बैक टू वेदास। देखिए बहुत फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने अपना एक स्लोगन दिया था, ठीक है, तो उन पर एक वीडियो मैंने स्टैटिक जीके में बनाया हुआ, आप स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो वहां डिटेल में बहुत सारे लोग का दिया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, और हाल फिलहाल में आपके ALP में पूछा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, दयानंद सरस्वती जिन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास। नोआकाली सिचुएटेड, तो नोआकाली कहाँ सिचुएटेड है, वो है बांग्लादेश में, तो ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। देखिए दोस्तों 1915 में वो इंडिया आए थे, 1915 से पहले वो अफ्रीका में थे, तो अफ्रीका में वो ब्लैक एंड व्हाइट को लेके जो झगड़ा चल रहा था उस पर वे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो जिसमें व्हाइट लोग ब्लैक पे बहुत ज्यादा मतलब अलग तरह से व्यवहार करता था, आप लोग तो जानते हैं, ठीक है, तो उस समय इस केस को लेके वो 1908 में जेल गए थे, तो ऑप्शन बी क्लियर है। तो उनको भी ज्यादा दिन का जेल नहीं हुआ था, 3 महीना के करीब का, 3 मंथ के अप्रोक्स का जेल हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त। तो मतलब इसमें क्वेश्चन बोलना चाहता है कि 15 अगस्त को ही क्यों हम लोग को आजादी दिया गया, 15 अगस्त ही क्यों ये डेट चुना गया, क्यों नहीं 16 अगस्त, ठीक है, क्यों नहीं 20 अगस्त, 15 अगस्त ही क्यों। तो क्या हुआ था कि उस दिन माउंट बैटन के सामने जैपनीज आर्मी अपना सरेंडर किया था 15 अगस्त के दिन में, वो भी कब, 1945 में। तो 15 अगस्त 1945 में जैपनीज आर्मी माउंट बैटन के सामने सरेंडर किया था, तो इसलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन ही रखा, ठीक है, कि ट्रांसफर करने का पावर इंडिया को, तो ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किनके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था कॉर्नवेल्स के द्वारा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे आपको है ना, जितना भी गवर्नर है उससे जो भी रिलेटेड अच्छा अच्छा काम हुआ है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आगे आपको मिलेगा। जैसे क्लाइव के द्वारा क्या किया गया था, डुअल गवर्नमेंट। ओके, बिजली के द्वारा क्या किया गया था, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, तो ये आगे आपको मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट चलते हैं, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो हुआ था उसके फादर कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज, तो कौन सा वो प्रिंसिपल था, वो था ट्रस्टीशिप थ्योरी, क्लियर है। तो भैया ट्रस्टीशिप थ्योरी में क्या था, कि जो भी आपका अमीर आदमी है, ठीक है, उनसे जो गरीब, जो भी गरीब है उस पर ट्रांसफर करना पैसा का, ठीक है, कि उनका लेवल अगर बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक इनक्वालिटीज हट जाएगा,
पैसे के चलते ही तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो रहा है, तो अगर उसको अगर हम लोग बराबर के केंद्र में ला दें तो ऑब्वियसली बात है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ट्रस्टीशिप थ्योरी। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पायरेशन फॉर सिविल डिसोबिडियंस कहाँ से? तो ये किससे पाए थे? थॉरो। ऑप्शन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस, तो इसमें से कौन इंडियन थे जो पहली बार सेलेक्ट हुए थे इंडियन सिविल सर्विस? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है, तो ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्र नाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर थे, मतलब बड़े भाई थे ये। सत्येंद्र नाथ बड़े थे रविंद्र नाथ से, तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है, बड़े भाई थे वो जो कि फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस में चुनाए थे। ओके, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट आपका, द सिस्टम ऑफ कॉमुनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो याद रखना है मिंटो मार्ली रिफॉर्म्स 1909, ये याद रखिएगा। एक आपको पूछ देता है कि कौन सा ईयर में आया था, इसलिए आपको याद रखना है, इसके साथ ईयर जरूर याद रखना है। ठीक है, 1909 में ये आया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें कौन रिप्रेजेंट किया था इंडिया से? तो वो था सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु परस्यूडेड द रेटिंग ऑफ रिन, मतलब रॉयल इंडियन नेवी, टू सरेंडर ऑन 23 फरवरी 1946। तो क्या हो गया था कि रॉयल इंडियन नेवी ना अगेंस्ट द ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो गया था, ठीक है, बगावत कर दिया था। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना गए थे कि आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये करने के चलते, आपका जो अगेंस्ट होने के चलते हर जगह हड़ताल लग गया, जैसे मुंबई बंबई और कलकत्ता में हड़ताल हो गया था चौदह। ठीक है, तो इसलिए बोले थे कि सरेंडर कर दीजिए। तो कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑन सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट ऑन टू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट कर रहे थे? तो भैया ये क्या था? तो ये था दोस्तों कॉमनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड के। ठीक है, इसमें क्या हो गया था, जो मुस्लिम लोग के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जा रहा था उसको लेके ये बहुत गुस्सा थे। ठीक है, ये गलत हो रहा है, तो आपको याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ऑन वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च द रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हु वाज ही? तो क्या हुआ था, कोई इसमें से इनमें से कोई एक थे जो कि महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, उसके बाद उनसे अलग होके एक रेडिकल मूवमेंट, मतलब मूवमेंट शुरू कर दिए थे, जिसका नाम दिए थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, रेडिकल मूवमेंट तो जानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हिंसा के तहत जो होता है। ठीक है, तो इसमें कौन थे वो? वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। ये महात्मा गांधी से अलग होके एक अपना एक मूवमेंट बनाए थे, जिसका नाम दिया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि बहुत खतरनाक हो गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डिड ज्योतिबा फुले, ठीक है, सत्य शोधक समाज अटेम्प्ट इन द सेंचुरी, तो भैया इसका आंसर क्या होगा? तो वो किस लिए था भैया? सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम जो हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स होते हैं उनसे सेव करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन लोग के दिमाग में क्या था, एक था कि जो लोअर कास्ट के थे ना उन पे ना ब्राह्मण्स लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं कि भाई तुम ये हो जाएगा, तुम ये कर लो। ठीक है, एक अलग भावना से देखते थे, तो ये उसी को लेके बहुत फेमस थे ज्योतिबा फुले, इसी को लेके वो आगे बढ़े थे कि जो लोअर कास्ट लोग के लिए जो ब्राह्मण लोग जो करता है उस पर ये आवाज उठाए थे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, तो हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन महात्मा गांधी कौन से इसमें बनाए थे? तो आप जानते हैं अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, ऑप्शन सी, बहुत बार पूछ चुका है। हु लीड सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी, गांधी जी के साथ कौन ये मूवमेंट को चला था, मतलब लीड किया था? तो देखिए महात्मा
सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा जी के साथ, आप जानते हैं महात्मा जी जब अरेस्ट हुए थे तब अब्बास तैयब जी लीड किए थे, ठीक है, उनके साथ साथ कौन जा रहे थे, तो वो थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी। दो क्वेश्चन सॉल्ट सत्याग्रह से बन गया, ठीक है। सती वाज प्रोहिबिटेड बाई, तो देखिए क्वेश्चन आ गया, ये चारों गवर्नर में से कौन गवर्नर के द्वारा ये प्रोहिबिटेड हुआ था, तो ये थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ गया विलियम बेंटिक, इनके समय टेलीफोन आया, टेलीफोन उसका ट्रेन चला था, ठीक है, डलहौजी के टाइम पे, बिजली का सब्सिडी अलायंस बताए थे आपको। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द साइमन कमीशन वॉज रिफॉर्म टू रिव्यू, साइमन कमीशन को रिफॉर्म किया गया था क्या क्या चीज रिव्यू करने के लिए, तो देखने के लिए कि फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, क्या इंडिया और रिफॉर्म्स लेने लायक है कि नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले किस साल में ट्रेन चलना शुरू किया था इंडिया में, तो याद रखिएगा इंडिया में सबसे पहला ट्रेन चला था 1853 में, क्लियर, याद रहेगा। अब वो कहाँ से कहाँ चला था भैया, तो वो चला था आपका बोरी बंदर, तो ये आपका बोरी बंदर कहाँ पे, बंबई में है, ठीक है, ये इससे चला था ठाणे तक, याद रखिएगा। तो पहला आपका बंबई तो ठाणे था, लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा बोरी बंदर से ठाणे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, तो हिस्टोरिकल वैल्यू का जो मनुष्य खुद से लिखा हुआ जो कलेक्शन होता है, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हाथ से खुद से लिखा जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, किस लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट अडोप्टेड बाई द इंग्लिश डिड प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, तो इसमें इंटरेस्ट ऑफ फार्मर के लिए ज्यादा कौन किया है, तो भैया ये था रोतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी लैंड रेवेन्यू होगा, जो भी आपको मिलता है, देखिए क्या होता था, एक के हाथ से दिए, फिर दूसरा के हाथ में गया, तीसरा के हाथ में, फिर गवर्नमेंट के पास पहुंचा, मीन्स ब्रिटिशर लोग के पास, तो क्या होता बहुत कम हो जाता था, तो अब क्या सिस्टम रखा है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे सकते हैं लैंड रेवेन्यू, ठीक है, तो इसके तहत ये हुआ था रतवारी सिस्टम ऑफ मद्रास के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये हमारा टॉप 25 था फिलहाल, ठीक है, पार्ट वन में ऐसे करके निकलते जाएगा पार्ट, ठीक है, दोस्तों हम लोग टोटल 400 कंप्लीट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, SSCEC, थैंक यू।